नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, फाइनली आप सभी बहुत कमेंट कर रहे थे, भाई चंडीगढ़ जोन का मेडिकल एज वेल एज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बताओ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन फुल मेडिकल डिटेल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फुल डिटेल वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पूरी की पूरी बातें करेंगे। किस तरह लिया जा रहा है दोस्तों, ईजी है या टफ है, स्टेप बाय स्टेप इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। जो अपने साथ कैंडिडेट जुड़े हुए थे वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, उनका मेडिकल एज वेल एज जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है दोनों ही अंबाला कैंट में आया था दोस्तों, उनका हो चुका है और उन्हें घर जाने के लिए बोल दिया गया है। जो फाइनल लिस्ट है वो तो जारी नहीं हुई है, उनको रिजल्ट नहीं बताया अभी, बट उन्होंने कहा है हमारे साथ एक्सपीरियंस जो शेयर किया है उन्होंने, वो बोले कि बहुत अच्छा हुआ है। और वो आप सभी को दोस्तों स्पेशली उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें मांगी गई और कौन कौन से मेडिकल टेस्ट हुए उनके, और वो अपन सभी को क्या गाइड करना चाहते हैं दोस्तों, आज उन सभी टॉपिक्स पे अपन बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड, सबसे पहले अपन डीवी की बात कर लेते हैं। डीवी से दोस्तों शुरू करने से पहले, ये बिलोंग करते दिल्ली से, अब इन्हें पहुँचना था अम्बाला कैंट। दोस्तों दिल्ली से अम्बाला दोस्तों एक ट्रेन चलती है, हम सफ़र एक्सप्रेस, ये दोस्तों निकलेगी 11:30 बजे और आपको रात में अप्रॉक्सीमेटली 1:30 बजे 1:20 तक या 1:30 1:30 बजे आपको अम्बाला कैंट में पहुंचा देगी। दोस्तों जो अननोन, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जिस भी अननोन सिटी में जाते हैं, अगर आपका जो रीचिंग टाइम जो ट्रेन का अगर नाइट का है दोस्तों, तो प्लीज़ आप स्टेशन पर ही रहें। दोस्तों आप सभी को पता है, एक अननोन सिटी में जाना और फिर रात में ट्रैवल करना दोस्तों, ये बहुत ही आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। आप सभी को पता है कि बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा है। तो ये जो अपने साथ कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, ये रात में 1:30 बजे वहाँ पहुँचे, सुबह के 7 बजे तक वहीं रहे। इनके पास दोस्तों टिकट भी था, तो इनको इतना परेशानी की कोई सामना नहीं करना पड़ा। फिर जैसे ही सुबह हुई दोस्तों, वहाँ से दोस्तों अम्बाला कैंट से 3 किलोमीटर था इनका सेंटर, दो DRM ऑफिस अम्बाला था, इनको वहाँ पे पहुँचना था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों कम से कम 3 किलोमीटर का था, इन्होंने ऑटो से पूछा दोस्तों, तो ऑटो ने कम से कम 250 से 300 रुपये बताए। अब दोस्तों लाजमी है कि जो अननोन पर्सन है वो तो देख के पता लगा लेते हैं, जो ऑटो वाले रहते दोनों, तो इन्होंने दोस्तों वेट किया, इन्होंने सोचा कि नहीं 250-300 रुपये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे 3 किलोमीटर का, इन्होंने गूगल मैप पर देख लिया था। तो फिर इन्होंने वेट किया और इन्हें ई रिक्शा मिली। दोस्तों ई रिक्शा ने इन्हें मात्र 30 रुपये में वहाँ पे DRM ऑफिस अम्बाला पहुँचा दिया गया। ये जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, इनको सबसे पहले 60 बच्चों का जो ग्रुप रहता है उसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों, हाँ अब नई चीज़ जो देखने को मिल रही है अपने को, पहले अपन ने जैसे भोपाल की बात कर ली है, बेंगलोर जोन की बात कर ली है, बॉम्बे जोन की बात कर ली है, अलाहाबाद जोन की बात कर ली, बेंगलोर जोन की भी, तो दोस्तों इन सभी में चालान नहीं मांग रहे थे, पर अब कहीं कहीं चीज़ पे शुरू कर दिया है कि चालान। सबसे पहले आप पहुँचते हैं तो आपको सेकंड बिल्डिंग में भेज दिया जाएगा, वहाँ से बोलेंगे, एक फॉर्म दे देते आपको, उनको बोलते कि ये पे करके आइए और वो जो चालान देंगे वो लेके आइए। तो इनको 24 रुपीज़ का चालान आता है दोस्तों, वो इनको वो लाने के लिए कहा गया इनका। दोस्तों हाँ, जो रिपोर्टिंग टाइम था वो 10 बजे था, बट इनको पूरा दोस्तों पूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रोसेस में 6:00 बज गए। पर सबसे अच्छी बात यह है कि इनको एक ही दिन में फ्री कर दिया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों इसके बाद इनको कौन कौन से फॉर्म मांगे गए, इन्होंने जो सलाह दी अपने को, सबसे पहले अंदर गए, इनका बायोमेट्रिक हुआ, बायोमेट्रिक के साथ इनको क्रॉस चेक कर दिया गया। क्रॉस चेक के बाद दोस्तों, जो आप स्पेशली अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट्स आ रहे हैं कि भाई हमारा जैसे थंब एक्सप्रेशंस और ये सब मैच नहीं हो रहे हैं, तो दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप जब भी डीवी के लिए जाएं, आपका जब बायोमेट्रिक होता है, आपको क्रॉस चेक होता है, तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी हैंड पे ऑयल ज़्यादा ना ऑयल लगाएं, ना ज़्यादा कुछ क्रीम लगाएं दोस्तों, जितना नीट एंड क्लीन जाएंगे जितना ही आपको पोलाइट वे में और बहुत आसान तरीके से आपका डीवी होगा। अगर आप कुछ क्रीम या कुछ ऑयल लगा के जाते हैं दोस्तों, तो आपका जो बायोमेट्रिक होगा दोस्तों, थोड़ा सा आपका जो थंब एक्सप्रेशन होगा दोस्तों, वो एरर दिखाएगा और आपको वेट करना पड़ सकता है। डरने की कोई बात नहीं है, पर दोस्तों आपको पहले ही थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा दोस्तों, और फिर आपका थोड़ा सा लेट लतीफ़ होगा, तो आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, आप मात्र एक कदम दूर हैं उसका हिस्सा बनने से, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। और दोस्तों इन मतलब जो कैंडिडेट्स थे उनने हमसे कहा कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनके फॉर्म इनकम्प्लीट थे, तो दोस्तों उन सभी को
उन सभी को सबसे अच्छा ये कहा गया है कि पहले ही जैसे आप इंटर करते हैं गेट पे कह दिया गया कि अगर आपके कुछ बेटा फॉर्म इनकम्प्लीट है तो प्लीज़ आप कंप्लीट करके लाइए, नहीं तो आपके पहले आधी प्रोसेस हो जाएगी, फिर हम आपको वापस से कहेंगे कि जाओ वापस से, तो आपको ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात देखने को मिली है वहाँ पर कि बहुत ही पोलाइट और कॉपरेटिव स्टाफ है। तो आप दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। वो पहला है मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट। दोस्तों मैट्रिकुलेशन में आपको पता ही दोस्तों जो आपने 10th बेसिस पे वैकेंसी निकली थी 10th की मार्कशीट, अब पासिंग सर्टिफिकेट भी मांग रहे हैं कहीं कहीं पे। तो दोस्तों एमपी बोर्ड हो गया, सीबीएसई हो गया, सीबीएसई में तो दोस्तों अब स्टार्ट हो गया और आईसीएसई में तो पहले से स्टार्ट था कि पासिंग सर्टिफिकेट देते हैं। पर दोस्तों मैं आप सभी से सलाह देना चाहूँगा कि आप अगर एमपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं दोस्तों तो उसके ऊपर जो पासिंग ईयर रहता है वो ऑलरेडी मेंशन रहता है, इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। और अगर जब भी आपको कुछ कन्फ्यूज़न रहता है तो आप जिस भी स्कूल से बिलोंग करते हैं या जिस भी आपने जहाँ से किया हो स्कूलिंग तो वहाँ पर जाइए और सर से पूछिए दोस्तों, नहीं तो वो उसका सर्टिफिकेट उनके पास रहता है तो वो आपको दे देंगे। और फिर अगर आपने दोस्तों बाय चांस ग्रेजुएशन मेंशन किया हो, 12th मेंशन किया हो, तो दोस्तों इसके फॉर्म ज़रूर ही लेके जाए आप, या आपको आगे जो प्रमोशन एक्टिविटी होगी आपकी, आप इसके बाद आपकी जो मेडिकल टेस्ट और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी दोस्तों, तो जब प्रमोशन होगा अपन सभी चाहते हैं कि अपना प्रमोशन हो और वो भी अच्छी पोस्ट के लिए, तो दोस्तों उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। फिर ग्रेजुएशन भी हो गया दोस्तों, फिर आपका जो इनकम सर्टिफिकेट अगर आपने मेंशन किया हो तो वो ज़रूर लेके जाए। फिर कास्ट का सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी एससी एसटी दोस्तों कुछ भी डिक्लेरेशन फॉर्म वो भी लेके जाएँ दोस्तों। और मात्र आपका आधार कार्ड और आपकी 5 फ़ोटो और चालान दोस्तों, ये इन जो फ्यू चीज़ हैं दोस्तों, इन सभी को आप बिल्कुल जो सेट वाइज रहता है वो बना के लेके जाएं और डरने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। अगर आप वहाँ पे हेजिटेट होते बिल्कुल भी नहीं, आपका कुछ जो दोस्तों इन्होंने आगे मेडिकल टेस्ट के बारे में बताया हमें कि वो कैसा दे, आप थोड़ा सा आपको पैनिक करते हैं वो, पर पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट, चालान का दोस्तों जो आपको रिसिप्ट देंगे वो लेके जाना है, एससी एसटी ओबीसी का दोस्तों जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो, आपका आधार कार्ड, आपके पास फोटो, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत सारे कैंडिडेट्स बोले भाई हमारा एडमिट कार्ड खो गया है, एप्लीकेशन दोस्तों यहाँ पर वो मांग ही नहीं रहे, ऑलरेडी उनके पास जो कैंडिडेट्स आने वाले उनकी इन्फॉर्मेशन रहती है, वो बोल रहे बेटा एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं ऑलरेडी हमारे पास है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आप सभी के लिए, बिल्कुल भी ना डरें। अब दोस्तों इनका ये जो अंबाला कैंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर इनके लिए मेडिकल टेस्ट के लिए दोस्तों इनको वहीं पे नेक्स्ट डे के लिए डेट दे दी गई, उनको 11:30 बजे जाना था वहाँ पे। तो आइए अपन अब देखते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात तो हो गई है, अब मेडिकल टेस्ट दोस्तों इसके बारे में अपन बात कर ले, मेडिकल टेस्ट इंक्लूड। सबसे पहले मैं बता दूं कि जिन भी कैंडिडेट्स का पंजाब में सेंटर आ रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज वेल एज मेडिकल टेस्ट, दोस्तों डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, रबदा घर है वहाँ पे दोस्तों, आप वहाँ कहाँ रुकते हैं बिल्कुल टेंशन करने की बात नहीं दोस्तों, इतने बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं वहाँ, एसी तक प्रोवाइड कर रहे हैं रहने के लिए, कूलर फैन दोस्तों सब कुछ है वहाँ पे, खाना भी दोस्तों A1 फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जा रही है आपको। और वहाँ से आपका जो मेडिकल टेस्ट है दोस्तों, जो रेलवे हॉस्पिटल है दोस्तों वहाँ पे, जहाँ पे आपको बुलाया जाएगा मेडिकल टेस्ट के लिए, वहाँ से दोस्तों बिल्कुल भी दूर नहीं है, ऑलरेडी आपके साथ कोई ना कोई कैंडिडेट्स रहते हैं, आप बिल्कुल बातें वीतें शेयर करके उनके साथ अच्छे से जा सकते हैं। तो मेडिकल टेस्ट दोस्तों, जैसे ही वो मेडिकल टेस्ट के लिए वहाँ पहुँचे दोस्तों, 15 से अप्रॉक्सीमेटली 30 बच्चों का ग्रुप था, बस 15 बच्चों को अंदर बुला रहे थे। सबसे अच्छी बात यहाँ पे दोस्तों, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और एक्सरे दोस्तों, ये तीनों चीज़ें नहीं हो रही है, बट हाँ जो आई टेस्ट है दोस्तों वो ज़रूर हो रहा है। आई टेस्ट पे हर एक बच्चे पे कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं। फिर आपको जो कलर ब्लाइंडनेस का दोस्तों, ये तो हर जगह ही कलर ब्लाइंडनेस की जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप सभी, वो तो हर जगह ही आपको फेस करनी पड़ेगी। जो कलर ब्लाइंडनेस है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया था कि आप अगर गूगल या कहीं पे भी YouTube पे भी सर्च करेंगे तो बुक आती है दोस्तों, बिल्कुल आप उसका सहारा लीजिए दोस्तों, आपको वहाँ पे जाके इतना, मतलब फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो आपको इतना वो नहीं होगा, प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, पहले आप एक दो बार ट्राई करके जाते हैं और तो वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, ये चीज़ मेरे लिए न्यू नहीं है, वहाँ पे जाके आपको हेजिटेट और जो पैनिकनेस होती वो नहीं होगी।
फिर आपको नियर विज़न, डिस्टिंग विज़न। दोस्तों नियर विज़न के लिए मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि अपने पास फ़ोन है, फ़ोन को थोड़ा सा दूर रख दीजिए दोस्तों, थोड़ा सा पास रख दीजिए। जैसे आप कहीं पे आप कोई चश्मा लगाता हो तो आपका आई टेस्ट होगा, तो आपको सभी को पता है। तो दोस्तों इससे भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों। आई थिंक मैंने सभी के लिए बहुत अच्छा एक ट्रिक निकाली है कि अगर आप फ़ोन की भी थोड़ी सहायता ले सकते हैं तो आपको वहाँ पर भी बहुत आसानी मिलेगी नियर विज़न डिस्टिंग विज़न में दोस्तों। फिर इसके बाद आपको एक जो अंधेरा जो रहता है दोस्तों, अंधेरे रूम में ले लिया जा बुला लिया जाता है, और लाइट जो रहते हैं बल्ब दोस्तों, उसमें दो तीन सेम कलर के बल्ब रहते हैं, दो तीन डिफरेंट कलर के बल्ब रहते हैं, तो वो लाइट शुरू करते हैं और फिर बंद करते हैं और बुला लिया जाता है दोस्तों। पांच पांच जो कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया जा रहा है। अब इनमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो पांच कैंडिडेट्स हो गए तो उनको वापस से जो बच्चे बच्चे उनमें ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, अदर जो आगे की प्रोसेस है उनमें ले लिया जाता है। बहुत ध्यान रख रहे कि ये किसी को बता ना दें दोस्तों। ये बहुत अच्छी पहल भी है कि बहुत अच्छे तरीके से और पोलाइट वे से कर रहे हैं वो। और फिर इसके बाद दोस्तों सबसे पहले हियरिंग, फिर बाइनोकुलर टेस्ट, जो आप स्विमिंग पूल में जो चश्मे लगाते हैं वो जो बाइनोकुलर टेस्ट रहता है लाइट के लिए वो होता है। फिर दोस्तों आपको सबसे पहले जो मेडिकल टेस्ट में भी अच्छी बात है कि इसमें भी आपको एक ही दिन में फ्री कर दे रहे हैं वो। फिर आपका लेंस चेक हो रहा है दोस्तों, लेंस अगर आपका हाई पावर का है तो दोस्तों, अगर आप चश्मा लगाते हैं, अगर आपको लेंस लगा हुआ है, अगर आपकी कोई बड़ी सर्जरी हुई है आई से रिलेटेड, तो मैं आप सभी को सलाह देना चाहता हूँ, प्लीज़ आपके जो भी डॉक्यूमेंट या मेडिकल जो चीज़ें हैं, जैसे लेंस हो गया दोस्तों तो उसके भी मेडिकल रिपोर्ट रहती है, जैसे आँखों का चश्मा हो गया तो कौन से नंबर का है तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट रहती है, और अगर आपका बड़ी इंजरी ऑलरेडी आपकी फिर फाइल तो होगी, तो दोस्तों प्लीज़ वो लेके जाए, नहीं तो वो आपको बोलेंगे कि आप जाइए और इसका मेडिकल वो लेके आइए, फिर इसके आगे ही आपका टेस्ट होगा, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। फिर इसके बाद आपका जो टेस्टिस हर्निया दोस्तों, इसमें ऐसा नहीं कि आपको टच करके देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि बेटा इधर उधर, बिल्कुल भी नहीं। आपको एक मिरर का दोस्तों कांच का रूम रहेगा, उसमें इनसाइड आपको भेज देंगे, आपको कपड़े उतरवाने के लिए कहेंगे और डॉक्टर बाहर रहेंगे जो स्पेशलिस्ट रहते हैं, ओनली एक डॉक्टर और आप, और फिर वो देखते हैं, फिर चेक करते हैं मशीन के थ्रू और फिर आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर पाइल्स का, पाइल्स में भी बिल्कुल आपको बैंड करवा देते हैं, खांसने के लिए कहा जाता है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा ही पाइल्स है, मतलब आप जूझ रहे हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है, पर माइनर है तो दोस्तों बिल्कुल भी डरने की बात नहीं, उनको पता है कि ये ठीक हो जाएगा दोस्तों। फिर एक कैंडिडेट्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि हाँ भाई हमें फ़िट अनफिट कैसे पता चलेगा। दोस्तों आपको फ़िट रहेंगे आप तो आपको कुछ भी नहीं, आपका मेडिकल जो होगा उसके बाद आपको बोल दिया जाएगा कि बेटा आप जा सकते हैं, और अगर आप अनफिट रहेंगे तो आपको रीमेडिकल के लिए बुला दिया जाएगा। अब रीमेडिकल के लिए दोस्तों नेक्स्ट डे आपको बुला लिया जाता है, और फिर उसके बाद आपको जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहते हैं, जिस जैसे फॉर एग्जांपल आपको चेस्ट में दिक्कत आ गई, उन्होंने कहा कि बेटा आप रीमेडिकल के लिए भेज दिया जाता है, आप कल वापस आए, तो जो चेस्ट में दोस्तों जैसे अस्थमालॉजिस्ट जो रहते हैं जो चेस्ट देखते हैं, तो उनके थ्रू आपका रीमेडिकल होगा, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, जैसे एक घंटे दो घंटे या मिनिमम जो सॉरी मैक्सिमम तीन से चार घंटे, उसके बाद आपको फ्री कर दिया जाएगा। पर अगर आप ज़्यादा ही अनफिट हैं तो आपको दोस्तों डिसक्वालीफाई या रिजेक्ट भी कर दिया जा सकता है। जैसे हमारे ये जो कैंडिडेट जुड़े थे उन्होंने कहा था कि जैसे 30 बच्चों का ग्रुप था तो अप्रॉक्सीमेटली उसमें से दो बच्चों को डिसक्वालीफाई रिजेक्ट कर दिया गया था। तो दोस्तों आई थिंक आज की वीडियो में इतना ही, जो मेडिकल और एज वेल एज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात की अपन ने चंडीगढ़ जोन की। दोस्तों सो सॉरी मैं थोड़ा सा लेट वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है दोस्तों, बट मैं सो सॉरी यार, मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करना चाहता। मेरे पास दोस्तों जैसे ही आता है मैं आपको बना देता हूँ, और दोस्तों एक्यूरेट थोड़ा सा आपका भी जो भविष्य का सवाल है, तो मैं आपके साथ थोड़ा सा ऐसे कि खिलवाड़ करूँ दोस्तों, गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँ कि जिस दिन हो गया उसी दिन कुछ भी बना के बना दूँ दोस्तों, ये गलत बात है, इसलिए मैं थोड़ा सा देर से बनाता हूँ पर दोस्तों एक्यूरेट बनाता हूँ। तो दोस्तों अगर आप न्यू व्यूअर हैं इस चैनल पर, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इससे पहले दिल्ली, रांची, बेंगलोर, मैसूर, भोपाल और हुबली, और आज का इस वीडियो को मिला के दोस्तों चंडीगढ़, इन सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और किन्हीं किन्हीं के मेडिकल के भी अपन बात कर चुके हैं। तो जाइए दोस्तों और वो वीडियो देखिए, आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। तो दोस्तों मैं ये नहीं करूँगा कि चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। यार ये चैनल आपका है, ये स्पेशली आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है, तो अगर वो इन्फॉर्मेशन और वो हेल्प आप तक मिल जाती है, आपको प्रोवाइड हो जाती है, दैट इज़ इनफ फॉर मी। बस मैं इतना ही चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपके कुछ डाउट्स, कुछ क्यूरीज हो दोस्तों किससे भी रिलेटेड,
रेलवे ग्रुप डी, बैंकिंग से रिलेटेड या एनटीपीसी से रिलेटेड, दोस्तों किसी से भी रिलेटेड प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मुझे पता है मैं थोड़ा सा कमेंट लेट दे पाता हूँ, बट एज सुन एज पॉसिबल दोस्तों, सो सॉरी, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ इसीलिए, तो मैं फीडबैक देने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो सो मच दोस्तों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।